देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वे स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें, घरों से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें व बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इसी के साथ ही मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी चालान किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। सरकार द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर अब तक जिले में 85,528 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिसमें से 67,836 लोगों ने अपनी सर्विलांस की अवधि पूर्ण कर ली है तथा शेष 18,692 लोग सर्विलांस पर हैं। वहीं सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 25,905 लोगों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 13,719 लोगों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं देकर कोरोना के प्रति उनके भय को कम किया गया है। सर्विलांस पर लिए गए कुल मामलों में 15,397 लोगों की पहचान आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से की गई, 3,784 मामले पॉजिटिव मिले हैं और 2,742 सैंपल के रिपोर्ट आनी शेष है। 2,09,000 के आसपास केसेस हरियाणा में आ चुके हैं और 2,113 डेथ भी हो चुकी हैं। और अपने जिले की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 3,744 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और 21 डेथ अभी तक हुई हैं। उनमें से 3,641 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो कि एक रिकवरी रेट 97% से ऊपर है, जो हमारा कह सकते हैं कि प्रदेश में सबसे अच्छा रिकवरी रेट इस जिले का है। और सर्विलेंस पर लगातार लोगों को रखा गया है, 86,000 लोग अभी भी सर्विलेंस पे हैं, सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं, लगभग 87,000 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और ओपन है सैंपलिंग, किसी को भी आवश्यकता होती है तो उनकी करते ही हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आरोग्य सेतु पे जो इंफॉर्मेशन आती है स्टेट के माध्यम से, उनको सबको संपर्क किया जाता है और उनमें से अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है उनकी सैंपलिंग की जाती है। जिले से संबंधित मामले में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 3,660 कोविड-19 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि कहीं पर भी भीड़ दिखती है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करें, जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। हाथों को साबुन और पानी से पूरे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से धोएं। घर पर ही बना हुआ खाना खाएं जो कि हल्का गर्म और अच्छे से पका हुआ हो। किसी भी फल और सब्जी को बिना धोए प्रयोग में न लाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला खाना जैसे कि तुलसी, अदरक, आंवला, अनार, गुड़ को संतुलित मात्रा में रोजाना खाएं। रोजाना नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें। रोजाना गर्म पानी में नींबू डालकर पिए। नियमित तौर पर भाप लें, जिससे आपके फेफड़े स्वच्छ रहेंगे। सोने से पहले शरीर पर नारियल का तेल या वैसलीन लगाएं, जिससे वायरस का डायरेक्ट कनेक्शन शरीर से नहीं होगा। रोजाना कम से कम 45 मिनट तक व्यायाम करें, जैसे कि योग, प्राणायाम व सूर्य नमस्कार। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अच्छे से आराम करें व पूरी नींद लें। हमेशा सकारात्मक रहें। पलवल से वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।